करके। बढ़ती आधुनिकता के मद्देनजर अब किसानों को भी आधुनिक खेती से जोड़ा जा रहा है और किसानों को सरकार द्वारा उन्नत तकनीकी युक्त आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसान कम समय में आधुनिक यंत्रों की मदद से फसल की अच्छी पैदावार ले सके। इसके लिए भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को अब ड्रोन की मदद से तरल उर्वरक या कीटनाशक दवा का छिड़काव करना सिखाया जा रहा है। इसके लिए बालाघाट जिले में भी एक ड्रोन उपलब्ध कराया गया है और उसकी मदद से किसानों को खेतों में जाकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस ड्रोन के जरिए किसान अब महज 10 मिनट में लगभग एक एकड़ भूमि में लगी फसल पर आसानी से दवा का छिड़काव कर सकता है। और इसमें कृषि विभाग एवं समस्त जो जिला प्रशासन, इसमें सभी किसानों को गांव-गांव में जाकर के ड्रोन के प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश हैं। उसी के तारतम्य में जो हमारे जिले बालाघाट जिले में एनएफएल कंपनी द्वारा एक ड्रोन प्रदान किया गया है, जिसका चालक परिचालक ये सभी हमारे जिले में मौजूद है। और प्रत्येक दिन जो इवेंट होती है इसमें दो, एक विकास खंड में दो इवेंट होती है, उसी प्रकार से आज सभी पूरे 10 विकास खंड में जो रथ चल रहे हैं। और हमारा कल जैसे किरनापुर के डूंडा सिवनी और बूढ़ी गांव में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, और जिसमें किसानों के बीच में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है कि किसान इससे ये हैं, इसका फायदा ये रहेगा कि जो भी कीटनाशक दवाइयां हैं उसका स्प्रे बहुत ही आसानी से कम मात्रा, यानी मात्रा भी कम लगेगी और पूरे खेत में जल्दी से जल्दी स्प्रे किया जा सकता है। इसमें जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैसे सागरी का जो भी लिक्विड यानी बायोफर्टिलाइजर आ रहे हैं, तो उनका भी उपयोग हम ड्रोन के माध्यम से फसलों में कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। तो एक प्रकार से किसानों के बीच में जो जागरूकता का कार्य किया जा रहा है कि ये भी एक तरीका हो सकता है और नवीन तकनीकी, नई तकनीक है ये, किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। शासन के माध्यम से इसमें ड्रोन में 50% सब्सिडी का भी प्रावधान है, जो भी किसान इच्छुक होता है। ये मांग आधारित ये है प्रक्रिया, ई पोर्टल पे मांग आधारित आवेदन यदि होते हैं तो उसमें किसान को 50% सब्सिडी भी अनुदान में दी जाती है। तो देखा जाता है किसान बैटरी चलित पंप के माध्यम से या अन्य तकनीकों के माध्यम से छिड़काव करता है, कई बार किसान संपर्क नहीं लगाता है कीटनाशक दवा को, इस ड्रोन के माध्यम से किसान बहुत ही सुरक्षा महसूस करता है। और जो ड्रोन चलाने के लिए भी इसमें तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। उस प्रशिक्षणों के माध्यम से उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है कि ड्रोन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट रहेगा और वही जो ऑपरेटर है वो इस ड्रोन को चलाएगा। तो इसमें यानी एक एकड़ में 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है, एक एकड़ में 10 मिनट में आप स्प्रे कर सकते हैं एक एकड़ में। तो इस प्रकार से यानी जो एक दिन का समय लगता था एक किसान को, तो वो समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है और किसान के लिए बहुत उपयोगी है। आगे आने वाले समय में हमारे ज़िले में बहुत इसका उपयोग बढ़ने वाला है। अभी कुछ हमारे यहाँ डीलर भी मौजूद हैं, ये ड्रोन विक्रय करने वाले डीलर भी मौजूद है, जैसे आदर्श कृषि विकास केंद्र के पास में इसकी डीलरशिप भी है और एनएफएल कंपनी द्वारा हमारे ज़िले में इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो हमारे ड्रोन जो एनएफएल कंपनी से अरविंद चिखले जी हैं, तो वो भी इस ड्रोन के साथ में लगे रहते हैं। और कहना चाहिए अभी वारासिवनी के लिंगमारा और दीनी गांव में आज इसका प्रदर्शन, सफलतम प्रदर्शन किया गया। बाकायदा इसमें जो किसान के खेत में जाकर के
वो उसका जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी उसका उपयोग किसान के खेत में फसल पर किया गया, और उसे अभी जैसे अभी स्प्रे किया गया, इसका रिजल्ट जैसे ही आता है तो किसान इससे प्रेरित होंगे आगे कि भाई हाँ ये उपयोग किया जा सकता है, अच्छी तकनीक है। स्प्रे विद सागरी का आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।